दिन के 12 बजे पेट्रोल क्यों नहीं डलवाना चाहिए और आज के टाइम में प्लेन क्रैश के किस्से क्यों नहीं सुनाई देते। आखिर कौन सी है वो ख्वाहिश जिसे बचपन में आप सब पूरी नहीं कर पाए थे और ये प्यारा सा स्टैचू इंसानों के लिए खतरा कैसे है, जानेंगे धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइज, मैं हूँ आरजे और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। नंबर 5। दोस्तों, अगर आप दिन के 12 बजे पेट्रोल भरवा रहे हैं तो आप अपने पैसों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपके द्वारा दिए गए पैसों से कुछ कम ही पेट्रोल या डीजल मिलता है। अब इसमें पेट्रोल या डीजल भरने वाले की कोई गलती नहीं होती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि गर्मी के दिनों में जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है, जिसकी वजह से फ्यूल फैलने लगता है और इसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण हमें फ्यूल थोड़ा कम ही मिलता है। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना ही है तो सुबह 9 या 10 बजे तक भरवा दे, या फिर शाम को 6-7 बजने के बाद भरवाइए, क्योंकि इस टाइम पर आपको बिल्कुल सही तरह से पूरा फ्यूल मिल जाएगा। नंबर 4। दोस्तों, पहली बार मिस्टर इंडिया देखने के बाद सबके मन में यही आता होगा कि काश हमें भी अनिल कपूर वाली घड़ी मिल जाए और हम भी गायब हो जाए, पर बचपन की ये ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी। लेकिन अगर आज भी आप में ये ख्वाहिश जिंदा है तो बेशक अब जरूर पूरी होगी। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक इनविजिबल क्लॉक का निर्माण कर दिया है। अब अगर आप इसके पीछे चले जाते हैं तो इसके ट्रांसपेरेंट होने के कारण सामने वाले व्यक्ति को आपके पीछे की चीजें तो दिखाई देगी पर आप बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, है ना कमाल की चीज। नंबर 3। दोस्तों, आप लोगों ने प्लेन में सफर तो किया ही होगा, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्लेन में बैठना तो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन डर की वजह से वो प्लेन में नहीं बैठ पाते। और ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि आप चाहे कितनी भी महंगी टिकट क्यों ना खरीद ले, तब भी आपको पैराशूट तो नहीं ही दिया जाएगा, जिसकी वजह से काफी सारे लोग प्लेन क्रैश के कारण मर जाते हैं। पर अब से आप बिना डरे प्लेन में बैठ सकते हैं, क्योंकि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अब प्लेन क्रैश की संभावना लगभग ना के बराबर हो गई है। दरअसल यूक्रेन के एक इंजीनियर ने एक ऐसा एरोप्लेन डिजाइन किया है जिसमें आपातकाल के समय प्लेन के कैबिन का हिस्सा अलग हो जाएगा और नीचे गिरते समय कैबिन में से पैराशूट बाहर आ जाएगा, जिसकी मदद से सारे यात्री बिल्कुल सुरक्षित ही जमीन या तो पानी पर पहुंच जाएंगे। तो अब जो लोग मरने के डर से प्लेन में नहीं बैठते थे अब वो भी आसानी से बैठ सकते हैं। नंबर 2। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इस प्यारे से एंजल के स्टैचू को इतना भी प्यारा मत समझना, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये कोई बांबू या सीमेंट से बनी मूर्ति नहीं है, बल्कि इस मूर्ति को सिर्फ और सिर्फ चाकूओं से बनाया गया है। इस मूर्ति को इंग्लैंड के एक नाइफ आर्टिस्ट अलिफ ब्रेडली ने 1,00,000 चाकूओं की मदद से बनाकर तैयार किया है। इस मूर्ति को कुछ लोग नाइफ एंजल तो कुछ लोग द एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हाइट लगभग 24 फीट है। दोस्तों, इसे बनाने में जिन 1,00,000 चाकूओं का इस्तेमाल किया गया था वो कोई साधारण से चाकू नहीं थे, बल्कि उसे इंग्लैंड के 1,000 पुलिस स्टेशन में से इकट्ठा करके बनाया गया था। दरअसल ये वो चाकू थे जिनसे कोई ना कोई कत्ल हुआ हो या फिर हत्या की कोशिश की गई हो। नंबर 1। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्हें लगता है कि हेलीकॉप्टर हेली और कॉप्टर इन दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है तो आप लोग गलत हो दोस्तों। हाँ, ये बात सच है कि हेलीकॉप्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन वो दो शब्द है हेलिको और प्टर, ना कि हेली और कॉप्टर। हेलिको का मतलब होता है स्पाइरल और प्टर का मतलब होता है विंग्स, यानी कि स्पाइरल विंग्स। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्हें ये लगता था कि हेलीकॉप्टर हेली और कॉप्टर ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया नया सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।